2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया कुछ अच्छा करेगी। द्रविड़ की अगुवाई में टीम ने बायलैटरल सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया भी है, लेकिन एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप में टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक बहुत ही निराशाजनक रहा। इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स में हार के बाद राहुल द्रविड़ सवालों के घेरे में खड़े हो गए, जिसके बाद हर कोई उन्हें टीम से हटाने की बात कर रहा है। वहीं अब इस कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अभी अपनी राय दी। हरभजन सिंह का मानना है कि T20 जैसे छोटे फॉर्मेट से आशीष नेहरा जैसे किसी भारतीय खिलाड़ी को कोचिंग सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो खेल के सबसे छोटे इंटरनेशनल फॉर्मेट को मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ से बेहतर समझते हैं। वहीं आशीष नेहरा ने 2017 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और वो पिछले साल खेले गए IPL 2021 में गुजरात टाइटंस को डेब्यू खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हरभजन ने कहा, T20 फॉर्मेट में आपके पास आशीष नेहरा जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसने हाल ही में खेल को अलविदा कहा है। वो इस फॉर्मेट को बेहतर समझते हैं। मैं राहुल के साथ लंबे समय तक खेला हूँ और उनके लिए पूरा सम्मान है। मैं खेल को लेकर उनकी समझ पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मेट थोड़ा अलग और मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा, जिसने हाल में इस खेल को खेला है वो T20 में कोचिंग के काम के लिए बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राहुल को T20 से हटा दें। आशीष और राहुल दोनों मिलकर 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया ने 39 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसे 28 में जीत मिली और 10 में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ।